चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। अजय यादव ने राहुल गांधी को दी पर्ची। दिल्ली के एक कार्यक्रम में ये पर्ची दी थी, राहुल गांधी ने पढ़ी थी ये पर्ची। कांग्रेस ने गुड़गांव सीट पर उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया। गुड़गांव से राज बब्बर के नाम की ही चर्चा है और उम्मीदवार अभी तक घोषित नहीं किया गया है। तो राहुल गांधी ने पढ़ी थी वो पर्ची, इस वक्त की बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। गुड़गांव के टिकट का ये पर्ची कनेक्शन आपको बता रहे हैं। कांग्रेस ने गुड़गांव सीट पर उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं गुड़गांव से राज बब्बर के नाम की चर्चा है और साथ ही कांग्रेस ने गुड़गांव सीट पर उम्मीदवार का अभी तक कोई ऐलान नहीं किया है। गुड़गांव से राज बब्बर के नाम की चर्चा हालांकि देखी जा रही है। अजय यादव ने राहुल गांधी को एक पर्ची दी थी और वो पर्ची राहुल गांधी ने पढ़ी थी। तो दिल्ली के कार्यक्रम में ये पर्ची दी थी, राहुल गांधी ने वो पर्ची भी उसी समय पढ़ी। इस वीडियो में भी आप देख पा रहे होंगे कांग्रेस ने गुड़गांव सीट पर उम्मीदवार का ऐलान अभी तक नहीं किया है। गुड़गांव सीट की बात की जाए तो अभी तक पेच वहां फंसा है। गुड़गांव से राज बब्बर के नाम की चर्चा है। तो अजय यादव ने राहुल गांधी को यह पर्ची दी है, वीडियो में भी आप देख सकते हैं और साथ ही दिल्ली के एक कार्यक्रम में ये पर्ची दी गई है और राहुल गांधी ने इस पर्ची को पढ़ा भी था।